जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज को शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस 17 सितंबर से 18 अक्टूबर और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो हमेशा। और ये चंद्र राशि के हिसाब से नहीं है, ये टोटल के टोटल लग्न से आधार है। लग्न आपका धनु लग्न मैंने लिया, धनु लग्न सैजिटेरियस असेंडेंट। इसमें नक्षत्र डिविजन्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, एक नवांश तारा चक्र चंद्रमा से, ये जो टाइम ड्यूरिंग में जन्म लिया किसी बच्चा या किसी बच्ची, क्या क्या योग मिलता है, चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से और ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, ये टाइम ड्यूरिंग में कौन प्लैनेट किस नक्षत्र में किस हाउस को ट्रांजिट करता है। देखिए समय एक छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, ये टोटल प्लैनेटरी पोजीशंस का है। एंड ये लग्न के ऊपर ये पोजीशन में ये प्लैनेट होने से इम्पैक्ट क्या आ सकता। धनु लग्न, लग्नाधिपति बृहस्पति है, यहीं पर आपका एक लिखा होगा तभी ये वीडियो आपके लिए है। 9 नंबर में आपका एक नंबर लिखा होगा। राशि का हिसाब से अगर इसको आप देखें तो कितना मैच करता है ये आपको पता है, लेकिन ये लग्न के हिसाब से है। और ये बृहस्पति देव आपका लग्नाधिपति हो जाके आपका फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, फिफ्थ हाउस में राहु के साथ गुरु चंद्र दोष बन के, और ये बृहस्पति अभी का टाइमिंग में बकरी मर गए। 4 सितंबर से बृहस्पति देव बकरी, 17 सितंबर से ये वीडियो। तो बकरी प्लैनेट पिछला घर के ऊपर उसका फोकस रहता है, क्योंकि वो एंटी क्लॉक वाइज के जगह वो क्लॉक वाइज घूम रहा है। और बृहस्पति का ये खुद का घर है, तो अपना घर के ऊपर उसका फोकस नजर, यहां पर बृहस्पति का बकरी होना आपके लिए बेनिफिटेड फायदेमंद है, फायदेमंद है। 31 दिसंबर तक यहां पर ये बकरी रहेंगे और 30 अक्टूबर को राहु राशि चेंजेस करेंगे, आपका ये फोर्थ हाउस को आ जाएंगे। तभी भी फोर्थ हाउस में राहु लीडिंग करेंगे, और राहु और केतु का नेचर ही होती है जिसे हाउस में होते हैं, कई हद तक उसी हाउस का ओनरशिप जो होते हैं, मालिक जो होते हैं, उन्हीं के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर आपका सिग्निफिकेटर बनता है फिफ्थ हाउस फोर्थ हाउस, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज और आपका सुख का स्थान इमूवेबल प्रॉपर्टी का जगह, ऑल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी का जगह। लेकिन शनि यहां पर बकरी थर्ड हाउस में, वो भी सेकंड हाउस के ऊपर फोकस कई हद तक पड़ता है, फाइनेंशियल लिहाज से अच्छा टाइमिंग है आपका। बकरी बृहस्पति आपके लिए बेनिफिटेड है, आगे और बेनिफिटेड रहेंगे। राहु आ जाएंगे आपका फोर्थ हाउस को, वो भी आपका बेनिफिटेड रहेंगे, और शनि स्ट्रेट हो जाएंगे वो भी बेनिफिटेड रहेंगे। लेकिन ये जो मेजर प्लैनेट्स है, राहु बृहस्पति और शनि, आपका जन्मपत्री में क्या है, किस पोजीशन में, इसी तीनों में से कोई बद्ध तारा में, प्रत्यरी तारा में, क्षमा तारा में और विपत तारा में तो नहीं पड़ते हैं। नंबर वन इसको देखना, आपका हॉरोस्कोप आप खुद देखे, और कहीं मैलेफिक का नक्षत्र में ये प्लैनेट्स नहीं आ रहे हैं, तो कई सारे पॉइंट्स है, लेकिन ये तो कोई इंडिविजुअल का नहीं है। बावजूद इसके आपको ये तीनों प्लैनेट्स यहीं पर बहुत हेल्प करेंगे, आगे 2024 में बेटर रिजल्ट कराएंगे। और केतुदेव आपका 10th को आ जाएंगे, जब 10th को आ जाएंगे आपका जॉब एंड प्रोफेशन, आपका नौकरी में कई सारे प्रॉब्लम्स, इसी में से ना दो प्लैनेट्स राहु एंड केतु ऐसे होते हैं, कोई पॉजिटिव देता है तो कोई नेगेटिव, कोई मेटेरियली कुछ देता है तो कोई स्पिरिचुअली कुछ देता है, लेकिन कोई स्पिरिचुअल जो देता है वो मेटेरियल नहीं देता है, ये अलग सा चीज है, ये लंबा होगा।
जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा तब मैं एक ही वीडियो में सारी चीज कोशिश करूंगा। केतु जब 10th को आ जाएंगे ना, बाज की तरह, बाज के जो पक्षी पक्षी होती है वो अपना बच्चा को लेकर ऊपर उड़ जाता है और ऊपर से छोड़ देता है। जॉब प्रोफेशन नौकरी पैसा में फीलिंग्स महसूस यही होगा, यही महसूस होगा कि जैसे कि मेरा जॉब क्या परमानेंट नहीं है, कि आज है कल रहेगा या नहीं रहेगा। चले वो समय तो नहीं आया लेकिन ऐसा। और शनिदेव जहां पर होते हैं हमेशा शनि 2.5 साल का ट्रांजिट होते हैं ना, ये सारे के सारे जितने सारे हाउसेस होती है और हाउसेस का सिग्निफिकेटर चीजें होती है, वो सारे चीजों को अपने की ओर खींच के कंसेंट्रेशन को इसी हाउस में रख देता है। शनि का नेचर यही है। 2.5 साल का टाइमिंग है, मान लीजिए शनिदेव आपका 3rd हाउस में, ये कम्युनिकेशन का हाउस में ट्रांजिट में है, 3rd हाउस भाई बहन का है, आपका आपका कम्युनिकेशन का स्किल है, उसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहेगा। ज्यादा फोकस, मैं कैसे बात करूं, मेरा बात कैसे इंप्रेस कर सकता, मैं खुद को कैसे प्रेजेंट करूं, वो कैसे इंप्रेस कर सकता, इसमें मेरे को फायदा कितना है, क्या फायदा है, कई सारे चीजें। शनिदेव का यही रोल है, यही नेचर है, वो सारे के सारे एक्टिविटीज को अपने की ओर खींच लेते हैं। बावजूद इसके आपका लग्न रण अच्छे पोजिशन में और आपके लिए मालेफिक बुद्धदेव है, शुक्र है, और ये शुक्र अभी आपका लग्न से 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपका 2nd हाउस को देखते हैं। अभी का टाइमिंग में फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग नहीं है, फ्लो ऑफ मनी इतना स्ट्रांग नहीं है, और जितना स्ट्रांग है कहीं से जिसका कि आपका एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, उसी उसी दिशा से कुछ पैसा आना। एंड बेसिकली कहीं ना कहीं फीमेल से जोड़ता है, रिलेट करता है, क्योंकि शुक्र होती है अपोजिट जेंडर का फीमेल का कार्यकत्व प्लैनेट, 8वां घर में है चंद्रमा के घर में, और बुधदेव आपका 7th हाउस का और 10th हाउस का ओनर ऑल्सो। और 10th हाउस में अभी आपका मंगल और सूर्य बैठे हैं, बुधदेव भी आ जाएंगे, तो जॉब अभी ठीक है, कंस्टेंट है, शनि का दृष्टि ऐसा कुछ नहीं, अभी के लिए जॉब ठीक है। जब राहु केतु का चेंजेस होगा जॉब में क्या कुछ, तो अभी से आप वो तैयारी करा लीजिए कि आपका वो ऑफिस में कौन सा वाला चेयर ठीक है, कौन सा वाला काम आपसे ठीक सही ढंग से आप मेंटेन कर पाओगे, कहाँ जाने से ट्रांसफर मतलब वो जगह आपके लिए राइट रहेगा, सारे चीज अभी से प्री प्लानिंग करा लीजिए एंड उसको एक्टिव कर दीजिए। जबकि ये राहु केतु का ट्रांजिट होगा उससे पहले कम से कम एक कंस्टेंटिनेस आपके पास आ जाना चाहिए, ये ज्योतिष की हिसाब से एक सलाह है, एडवाइस है। बाकी रहा आपका पत्री में क्या है आप खुद देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स होती है वो 5th हाउस का है, यहीं पर बृहस्पति ज्ञान का कारकत्व तो है, लेकिन यहीं पर राहु ये रास्ता को भटकाएंगे, डिस्टर्बेंस कराएंगे, कंसेंट्रेशन में कमी कराएंगे। और इधर शनि बकरी है और इसका फोकस ये मारक का घर को देखते हैं। बेसिकली यहीं पर स्टूडेंट्स जितना दिखाने का काबिलियत है, मतलब वो बच्चा में जितना टैलेंट है उसको इतना इजी मत समझिए कि हाँ ये तो हमेशा ऐसा मार्क्स लिया करता था अब भी ले आएगा, ऐसा नहीं है, बट ऐसा है कि उसके ऊपर उतना कंसेंट्रेशन के साथ फोकस करें ताकि वो जिस तरह का मार्क्स ले आया करता था अब जैसे लाएगा। यहाँ पर गार्डियन का भी बहुत रोल होता है, खुद के ऊपर अपना भरोसा करें, एफर्ट लगाए, समय को बर्बाद मत करें, समय को बर्बाद मत करें। 5th हाउस में राहु है तो कराएगा, जितना समय बर्बाद करोगे आपका लाइफ का जो स्पैम होती है ना, स्पैन होती है क्या बोलते हैं, जो भी हो, जो टाइम ड्यूरिंग होती है लाइफ का, उतना टाइमिंग बस आप फालतू में बर्बाद कर रहे हो, लेकिन बाद में उसको आप ढूंढोगे तब तक नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई 60 साल के लिए ये दुनिया को ड्रामा करने के लिए आया है, वो एक दिन गया 60 साल से,
स्टूडेंट्स को ये पूरा एडवाइस, एफर्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करें, डबल करें जितना हो सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए। ये फिफ्थ हाउस में रहो ये अच्छा नहीं है, जाने दीजिए फोर्थ को, उसके बाद देखा जाएगा। धनु लग्न और बृहस्पति अभी शुक्र का नक्षत्र में है, बकरी में है। शुक्र का नक्षत्र, शुक्र आपका सिक्स हाउस का ओनर है, रोग ऋण शत्रु डेप्ट क्वारेल एनिमिटी, एंड वो बैठे अभी आठवां घर में, देखता है आपका पैसा वेल्थ को, परिवार को। ये कहीं ना कहीं एक उलझन में शुक्र रखा है आपको, किसको क्या बोलू किसको क्या ना बोलू, ऐसा सिचुएशन आपके लिए आ ही जाता है। बस आपने आप पर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए, शांत रहने का अभ्यास करें। लंबा सांस ले, हर प्राणी के ऊपर आप सांस के ऊपर रिसर्च करके देखिए ना, एक कुत्ता सोया है, हाई स्पीड उसका धड़कन चलता है, उसका जीवन है 10 साल। अब हाथी को देखो, 500 साल तक जीता है, मार्क करिए उसका, वो लेने का और छोड़ने का जो टाइम ड्यूरिंग है बहुत लेंथ है। इसलिए योगा प्राणायाम बहुत अहमियत होती है, सांस से लेना और छोड़ना का टाइम ड्यूरिंग को बढ़ाइए, स्पीड मत रखिए। पता नहीं ये ज्योतिष में क्यों ये सब मैं बोल रहा हूं, थोड़ी डॉक्टर हूं बस। और ये नक्षत्र अगर आप इसको राइट डाउन कर सकते, और तारा चक्र में कहीं अगर देखें, बृहस्पति इसी टाइमिंग में विपद तारा में पड़ते हैं, आपका जन्म पत्री को डायरेक्ट जाइए। ये ट्रांजिट के हिसाब से मैंने किया, ये कोई इंडिविजुअल का नहीं है, जन्म पत्री में विपद तारा में किसका है, कौन सा प्लैनेट, वो आपके लिए बुरा है। बस इसको रेड लाइन दे दीजिए, जो भी प्लैनेट हो, चाहे आपका फायदामंद प्लैनेट हो, चाहे आपका लग्न लॉर्ड हो, चाहे कोई भी हो, उनसे उतना एक्सपेक्टेशन मत रखिए। विपद तारा में पड़ता है तो जान लीजिए कि ये एक डेंजर जोन का प्लैनेट है हमारे लिए। और ट्रांजिट बताया, स्टूडेंट्स स्वास्थ्य के लिए से अभी ये गुरुचंडाल, कोई पिलीग्रिमेज कोई मंदिर जाए, वहां पर वो जो बुजुर्गों पूजक होती है उनसे आशीर्वाद लीजिए, और मंदिर को डेट एंड क्लीन रखने का कोशिश करें, कुछ फिजिकल एफर्ट लगाए, परिश्रम कुछ करें। क्या कुछ कर सकते हैं, आपको कोई बताएगा नहीं कि ये आप करें, आप खुद पे इंटरेस्टेड होकर करें। इतने सारे दीप जो होती है जला के लोग चले जाते हैं, उसको कलेक्शन जुगाड़ करें, कहीं अच्छी जगह में उसको लेकर डाल दीजिए, उनका डस्टबिन होगा, झाड़ू लेके साफ करिए, क्या कुछ एफर्ट लगाइए। वहां पर कोई मना नहीं करता है, या आत्मसम्मान का हानि नहीं होता है। पिलग्रिमेज मंदिर, कोई भी रिलीजन आप हो, आप जाए कम से कम बृहस्पति ही पर बहुत, तो बृहस्पति का कर्कत्व में आते हैं। और राहु का जो चांडाल दोष, वो जो होती है ना मैलिग्नेंट डिजीज ग्रसित, क्या कहते हैं उसको, कुष्ठ रोगी, उनको पहनने के लिए चप्पल दे, और कुछ नहीं है चाहिए, बस चप्पल दे। वैसे तो फिजिकली वो अलग सा है, लेकिन कैसे भी हो उनको चप्पल दे, जो चप्पल में कि वो सेटिस्फाइड है, नहीं तो ऑर्डर करे कोई मोची भाई को कि इस तरह का बना के दे, क्योंकि वो लोग जब चलते हैं ना कितना पेन वो उठाते हैं उन्हीं को ही बताए। मोची को बोलिए डायरेक्ट कितना पैसा लेना है ले, लेकिन पूरा बराबरी से इस तरह का एक फिटिंग होना चाहिए, करके देखिए ना आप एक बार। ये सब है ज्योतिष में, इसका आत्मसंतुष्टि उसका मैसेज यूनिवर्स को जाता है, एंड वो यूनिवर्स से रिटर्न आपके लिए आता है, ये सत्य है। एक पेड़ लगा हुए 10 बंदे धूप की टाइमिंग में वहां पर रेस्ट लेते हैं, आपका रेस्ट 10 मंजिला तक मिल जाएगा। ये यूनिवर्स का लॉ है, आप एक दोगे तो 10 रिटर्न आएगा, ये सत्य है।
तो चंद्रमा का ट्रांजिट को चलते हैं। 17 सितंबर को एग्जैक्टली कन्या साइन में चंद्रमा और आपका ये 10th हाउस सूर्य मंगल के साथ जॉब प्रोफेशन ऑफिस में किसके ऊपर बातों में आके एग्रेसिव मत होइए, गुस्सा मत करिए, ठंडा दिमाग से काम ले, ठीक जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गुस्सा को छोड़ दीजिए। 20 तारीख तुला साइन 11th हाउस केतु के साथ ग्रहण दोष राहु का, 7वां दृष्टि बावजूद बृहस्पति का, कहीं से पैसा आएगा, एक सिंगल टिक। ये वृश्चिक का साइन 12वां घर है आपका, चंद्रमा का और नीच, मतलब वो यहीं पर नीच होता है। दृष्टि शनि का 10वां, सॉरी शनि का 10वां दृष्टि है, सो यहाँ एक्सपेंडिचर उसी दिन कुछ है, ये हो, एक टिक देता हूँ, एक क्रस देता हूँ। धनु साइन आपका लग रहा हमेशा ठीक ही चलता है, चंद्रमा का राइट डबल लेता हूँ। मकर साइन 26 तारीख को 2nd हाउस आपका शुक्र का 7वां दृष्टि, एक टिक देता हूं। कुंभ साइन शनि के साथ, शनि बकरी तो है लेकिन 20 दोष बनेगा यहां, नक्षत्र राहु का बिलंस करते हैं शनि, सो ये ठीक नहीं जाएगा। मीन साइन आपका 30 सितंबर 4th हाउस सुख भाव का और यहीं से मंगल और सूर्य का 7वां दृष्टि और कोई मैलेफिक का दृष्टि नहीं है, सो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा 4th हाउस। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या करना, डिस्प्यूट था बातों में उसको सुलझाना, नेगोशिएशन करना, क्या कुछ ऐसे अगर काम है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, यह डेट आपके लिए ठीक रहेगा। और मेष साइन बृहस्पति के साथ राहु के साथ ग्रहण दोष तो रहेगा लेकिन यहीं पर बृहस्पति है 4th हाउस, सो सो सुख में बढ़ोतरी इस दिशा में हो सकता। ऋषभ ये 6th हाउस है, यहीं पर चंद्रमा बहुत खुश है, अपना नक्षत्र का जोन है लेकिन ये आपका 6th हाउस है और चंद्रमा आपके लिए 8th हाउस का भी ओनर है, सो कभी कभार मन आपका कंस्टेंट नहीं रहता है, दुखी होना पड़ता है बहुत बार, लेकिन आपके पास और एक धीरज है, पेशेंस है, धनु है ना, वो इतने तक आता है लेकिन टूट नहीं जाता है, उसको लगा दीजिए नहीं टूटेगा, पेशेंस इसका मीनिंग ज्योतिष में। तो ठोकर खाते रहना, बस प्यूरिफिकेशन होते रहना, कुछ यादें पास रखना, ईश्वरीय लग्न है, आज का दुनिया में क्या कुछ घटना घटता है कुछ तो कर नहीं पाएंगे लेकिन देख देख के ना कुछ अलग सा महसूस करते हैं, क्योंकि वो उनका लेवल वो स्वर्ग से आते हैं, वो धनु देवताओं का जगह है, देवताओं का ही अंश है और बृहस्पति जी घर का मालिक है। वृषभ 6th हाउस बिना वजह क्रेडिट मत करें और बात में किसी के साथ उलझे मत, नहीं तो आपके लिए फालतू पंगा। मिथुन साइन 7 तारीख को और 7 तारीख को आपका 7th हाउस और केतु का 5वां दृष्टि घर में परिवार में माहौल को ठीक रखे, ठीक जाएगा। कर्क साइन चंद्रमा का खुद का घर शुक्र के साथ, 8वां घर ठीक नहीं जाएगा, नहीं। सिंह साइन 12 तारीख अक्टूबर बुध बारह अक्टूबर 1 अक्टूबर से बुध चले गए होंगे और भाग्य भाव में शनि का 7वां दृष्टि लेकिन सूरज का घर। चंद्रमा अगर 15 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर है आपका जन्मपत्री में और अच्छा जगह में है तो ये घर जब ट्रांजिट करेगा आपके लिए बेनिफिट देगा। चंद्रमा जब 15 से 20 डिग्री के अंतराल में है, अच्छे जगह में है, कोई मालिफिक के साथ नहीं, तो ये घर में चंद्रमा का ट्रांजिट शनि का दृष्टि होते हुए भी आपको बेनिफिट करेगा, क्यों, शनि अभी बकरी है। इसी कंडीशन में इसको ठीक देता हूं, दूसरा कोई कंडीशन तो क्रॉस देता हूं।
कन्या साइन 15 तारीख, आपका 10th हाउस सूर्य के साथ मंगल के साथ, जब प्रोफेशन में चिड़चिड़ापन स्वभाव से दिन भर रहेगा, जो आप चाहते हो सही ढंग से नहीं होगा। और तुला साइन 17 अक्टूबर को 11th हाउस केतु के साथ ग्रहण दोष राहु का सातवां दृष्टि बावजूद बृहस्पति का भी सातवां दृष्टि, पैसा आएगा कहीं से, नो प्रॉब्लम। और बिच्छी का जो कि चंद्रमा का डेबिलिटेटेड जोन है, नीच का है और ये 12वां घर है, दृष्टि किसी का भी हो आपका एक्सपेंडिचर होगा, अंड हॉस्पिटल मेडिकल बुजुर्गों के लिए पैसा खर्चा, मेडिसिन वगैरह। तो ये धनु लग्न का छोटी सी वीडियो कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, आप खुद आपका हॉरोस्कोप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी है, मैंने बोला इसको उसमें अडप्ट करें, जानने को कोशिश करें। मैं तो यही चाहता हूं दुनिया में हर कोई ज्योतिष जाने, हर कोई ज्योतिष सों का चुंगल में आके आप करोड़पति बन जाएंगे, आपका लॉटरी लग जाएगा, मत करिए मत करिए। ऋषि महर्षि पराशर ने ये जनमानस को जो दिए थे ना, पर्पज उनका यही नहीं था। चले, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। जय जगन्नाथ। बस आज के लिए इतना, फिर मुलाकात अगले वीडियो में। विदा दीजिए गौरंग मंडल को।